एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 21 जून और आज के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो कल था जगन्नाथ पूजा और रांची के जगन्नाथ मंदिर में और मैं लाखों लोगों की भीड़ भी उमड़ी और यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन भी यहाँ पे शामिल थे। जो रथ की जो ऊंचाई थी वो 40 फीट की ऊंचाई थी ध्वज के समय और जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ भगवान जगन्नाथ भाई बलराम और सुभद्रा मंगलवार के साथ रथ पर सवार होकर मौसीबाड़ी पहुँचे। बारिश के बावजूद भी भीड़ पूरे उत्साह के साथ मेला परिसर में डटी रही। लोग छाता लेकर रवाना का जयकारा लगाते हुए रथ खींच रहे थे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, सीएम हेमंत सोरेन, सांसद संजय सेठ समेत कई गणमान्य लोगों ने भगवान का रथ खींचा। भगवान के स्वागत में भक्तों संग बादल भी उमड़े। आगे न्यूज़ देख लेते हैं। झारखंड हाईकोर्ट के वकील हिमांशु मेहता और जेल अधीक्षक को ईडी ने भेजा समन। गलत दस्तावेज के आधार पर जयंत कनाड़ को जमीन का मालिकाना हक दिलाने का आरोप है। जेल अधीक्षक को 26 जून और हिमांशु कुमार मेहता को 28 जून को क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया गया है। जमीन बेचकर मिली रकम में से जयंत कनाड़ से हिस्सा लेने वालों का ब्यौरा भी यहां पे दिया गया है कि करीब ये राशि का ब्यौरा है, ये चेक नंबर है, ये तिथि किस तिथि को पेमेंट हुआ और ये किस नाम से पेमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। जमीन की खरीद बिक्री मामले में व्यापारी विष्णु अग्रवाल की ईडी कार्यालय में पेशी है आज। दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री के मामले में ईडी ने व्यापारी विष्णु अग्रवाल को 21 जून को हाजिर होने के लिए समन भेजा था। उन्हें 21 जून को सुबह 10:30 बजे ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होना है। ईडी ने दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री के मामले में 4 नवंबर 2022 को विष्णु अग्रवाल सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था। ईडी ने जांच में पाया है कि दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री करने वाले गिरोह के चेशायर होम रोड स्थित जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर भरत प्रसाद को कागजी मालिक बनाया। इसके बाद यह जमीन पावर ब्रोकर प्रेस प्रेम प्रकाश के करीबी पुनीत भार्गव को सिर्फ 1.78 करोड़ रुपए भेजी गए। पुनीत से इस जमीन को 1.80 करोड़ रुपए में विष्णु अग्रवाल ने खरीदा। विष्णु अग्रवाल से मिली 1.80 करोड़ रुपए की राशि में से 1.50 करोड़ रुपए प्रेम प्रकाश के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। तो ये इस तरह से जमीन के मामले में ईडी ने इन्हें समन भेजा है और इन्हें वहाँ पर पेश भी होना है। आगे देखते हैं। स्वर्ण रेखा परियोजना के जिस बंगले में रहते थे वीरेंद्र राम वह नीलाम होगा। टीम ने दोनों बंगले के दस्तावेज के बाहर दीवार पर लाल पेंट से प्रॉपर्टी को सील किया जाने की सूचना लिख दी है। ठेकेदार का बकाया नहीं चुकाने पर कोर्ट ने दिया आदेश। स्वर्ण रेखा परियोजना के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम सर्किट हाउस एरिया के जिस बंगले में रहते थे उनसे कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को सील कर दिया गया। स्वर्ण रेखा परियोजना के अधिकार यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो दोनों बंगलों को नीलाम किया जाएगा। अनूप कुमार राय स्वर्ण रेखा परियोजना के ठेकेदार हैं। उन्होंने परियोजना में काफ़ी कम काम किया है लेकिन काम के बदले राशि का भुगतान नहीं किया। बकाया लगभग 8 लाख रुपये के भुगतान के लिए उन्होंने जब जज 1 की अदालत में एग्जीक्यूशन के तहत मामला दर्ज कराया था। 9 साल बाद इस मामले में सब जज ने फैसला सुनाते हुए स्वर्ण रेखा परियोजना की संपत्ति को अटैच कर ठेकेदार अनूप कुमार राय के पक्ष में डिग्री दे दी। उल्लेखनीय है कि निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम ने बंगले को प्रक्रिया के विपरीत अपने नाम से आवंटित करा लिया था। ईडी की रेड के बाद सर्किट हाउस और उलीडी स्थित कॉलोनी के बंगले से सभी सामान हटा लिए गए थे। जब जज 1 की अदालत में कई बार नोटिस भेजने के बाद भी सुनरेखा परियोजना के ओर से किसी पदाधिकारी ने उपस्थिति नहीं दर्ज कराई उसके बाद कोर्ट ने दोनों भवनों को सील करने का आदेश दिया। कोर्ट ने के आदेश के बाद मंगलवार को बंगला नंबर 1 व 2 को सील किया गया। इसकी नीलामी से मिलने वाली राशि के एक हिस्से से 8 लाख का भुगतान ठेकेदार अनूप कुमार को होगा। शेष राशि सरकार के खाते में जमा कराई जाएगी। आगे देखते हैं। झारखंड में मॉनसून सक्रिय वज्रपात से 16 लोगों की मौत हो गई।
हजारीबाग से सिलवारा पहाड़ पर रथ यात्रा मेला में पूजा करा रहे पुजारी और श्रद्धालुओं पर गिरी ठनका, दो की मौत और एक दर्जन लोग घायल हो गए। इन जगहों पर भी ठनका गिरने से हुई मौत। रांची में भी हजारीबाग, लोहरदगा, रामगढ़, चतरा, बोकारो, गिरिडीह, पलामू, कोडरमा, इन जगहों पर ठनका गिरने से कुल पूरे राज्य में 16 लोगों की मौत हो गई। वज्रपात से ऐसे बचे, वज्रपात से बचने के कुछ कारण, बारिश गर्जन के दौरान पेड़ के नीचे छिपना नहीं चाहिए, पशुपालन इस दौरान पशुओं को चराने से बचे, बादल होने पर घर की ओर लौट आए या सुरक्षित स्थानों पर रुक जाएं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो रुक जाएं। तो ये कुछ है सर में, क्योंकि झारखंड में ठनका का या वज्रपात का जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी समय से है और बिजली पानी होने से ये अक्सर इससे कई लोगों की मौत हो जाती है। तो कल के जो ठनका हुआ इससे करीब 16 लोगों की मौत हो गई। आगे देखते हैं, राज्य भर के मध्य विद्यालयों में विज्ञान विषय के शिक्षकों के सबसे अधिक पद हैं। भाषा में सबसे कम 4,991 और सामाजिक विज्ञान में 5,002 पद है। राज्य के मध्य विद्यालयों में विज्ञान, भाषा और सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातक प्रशिक्षित परीक्षा की नियुक्ति होगी। इसमें विज्ञान विषय में सबसे अधिक व भाषा में सबसे कम शिक्षकों की नियुक्ति होगी। विज्ञान में 5,008, सामाजिक अध्ययन में 5,002 व भाषा में 4,991 शिक्षकों के पद है। इस विज्ञान में 2,470, सामाजिक अध्ययन व 2,467 व भाषा में 2,463 पद 12 शिक्षकों के लिए आरक्षित। विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक में स्नातक प्रशिक्षक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। विज्ञान शिक्षक के पद पर गणित, भौतिक, रसायन शासन, वनस्पति शास्त्र व प्राणी विज्ञान विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र व व्यापार अध्ययन विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं भाषा विषय में अंग्रेजी, हिंदी समेत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विषय की परीक्षा ली जाएगी। मध्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति के कक्षा 6 से 8 तक के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी शामिल होंगे। 6 से 8 के लिए कुल 400 अंकों की परीक्षा होगी। मोर्चे ने किया विरोध। एकीकृत सहायता अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने नियुक्ति में 50% आरक्षित पद में संविदा कर्मियों को भी शामिल किए जाने का विरोध किया है। मोर्चा के संजय दुबे ने कहा है कि संशोधन नियमावली में संविदा कर्मियों के आरक्षण का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, इसके बाद भी संविदा कर्मियों को आरक्षण दिया जा रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर दो न्यूज़ में कवर करूँगा कि ओरमांझी गोला एक्सप्रेस वे का काम कल से शुरू कराया जाएगा। एक दूसरी खबर है कि अपराधियों ने एडीजे के चालक को मारी गोली, अभी वो घायल हैं। लोहरदगा के बीएस कॉलेज के पास दुकान में बैठा था, अभिषेक चाकू से भी हमला हुआ है इस पर, अभी इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, बाद में पूछताछ में पता चलेगा कि क्या है पूरा मामला। आगे देखते हैं। तो ये था आज का हमारा न्यूज़ सेशन। आई होप आपको सारे न्यूज़ जो है क्लियरली सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारे न्यूज़ क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। और कुछ भी वो प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।